जय हिंद। इस इंडिपेंडेंस डे कसम खाओ कि हमारे देश में जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें हम एक साथ मिल करके उखाड़ फेंकेंगे। मेरे साथ कसम खाओ कि अपने देश से निगेटिविटी को मिटा डालेंगे। मोटिवेशन की आग हमारे साथ पूरे देश में जलानी है। कसम खाओ कि अपने देश के हर सिटी से कोई ना कोई एक एंटरप्रेन्योर बनकर अपने देश के हर सिटी को बेहतरीन बनाएगा। आज इसी क्षण ले हम एक प्रण कि हिंदू मुस्लिम रहेंगे एक संग, क्योंकि हम न हिंदू है न मुस्लिम, हमारी पहचान एक भारतीय है। हमें इतने पावरफुल बनना है कि दुनिया में कोई भी हमें हरा न सके। कसम खाओ मेरे साथ कि फालतू के डिबेट न करोगे न सुनोगे, बस काम करोगे और अपने देश को बेहतर बनाओगे। कसम खाओ कभी ये नहीं कहोगे कि देश में जॉब्स नहीं है, बल्कि तू एक एंटरप्रेन्योर बनकर जॉब्स क्रिएट करेगा। और सिर्फ अपने लिए नहीं, एक बार देश के लिए जी करके तो देखो, जो जी गए वो अमर है। जो कुछ भी तुम सब करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, उसे इस तरीके से करो जिससे किसी न किसी तरीके से देश का भला हो। एजुकेशन सिस्टम खराब है तो तू खुद किसी न किसी तरीके से गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से भी अच्छी एजुकेशन को एक्वायर करके खुद पढ़ाई कर। और कसम खा, ज्यादा नहीं, एक दो घंटे ही सही, उन गरीब बच्चों को पढ़ाएगा जो आने वाले कल के मालिक है। तुझे खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा, फालतू के मुद्दों पर नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए, जो है एजुकेशन। भाई तुम लोग अच्छी से अच्छी एजुकेशन लो और उस एजुकेशन को खुद तक मत रखो, शेयर करो। क्योंकि अगर देश को ही कहते रहोगे कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब है, सब बकवास है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो हमें खुद आगे बढ़ना होगा, स्टैंड लेना होगा, अपने अंदर एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग को पैदा करना होगा और बच्चों वाली सोच से खुद को दूर रखना होगा। समझो यार, जब तक चाय पी लो फ्रेंड्स और किकी चैलेंज जैसी बेवकूफी में पड़े रहोगे तो कैसे होगा अपने देश का विकास। देश में विकास चाहते हो तो अपनी सोच को विशाल करो, ये बेवकूफों वाले काम छोड़ो। आज आप लोग सोशल मीडिया पे फालतू में अपना डाटा लॉस कर रहे हो, बल्कि उसी इंटरनेट से थोड़ी नॉलेज लेकर आप अर्निंग्स भी कर सकते हो। सोचो यार सोचो, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे कैसे, इसलिए सोचो भाई। हमारे देश की यूथ ही हमारे देश की ताकत है, पर जब तक यूथ ही सही ट्रैक पर नहीं होगी तो देश कैसे सही ट्रैक पर होगा। और यूथ हम लोग हैं, हमें सोचना होगा कि हम अपनी कंट्री को कैसे इस प्लेनेट पे यूनिक कंट्री बना सकते हैं। तो गाइस अगर ये मोटिवेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो और इस वीडियो को इंडिया के यूथ के साथ शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह। तो मिलते हैं अगले पावरफुल मोटिवेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।